सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंडल्स के बारे में, साथ ही में बात करेंगे स्नैप हुक के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन सा हैंडल या स्नैप हुक उन्हें परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इन्हें आपको परचेज करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी अपने बैंड्स के साथ वर्कआउट कर रहे हैं और हमें कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सारे एक्सेसरीज में पैसे खर्च करने की। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इसकी स्मेल से। जब अपने हाथ से वर्कआउट आप करते हो तो ये नेचुरल लेटेक्स से बना होता है, जिसकी वजह से इसमें एक अपनी नेचुरल एक फ्रेगनेंस होती है आप कह सकते हो, या बैड स्मेल कह सकते हो, वो आपको परेशान करती है, वो आपके हाथ में आ जाती है और कितना भी हैंड वॉश करो वो नहीं जाती है। सो अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है, और कई बार क्या होता है कि जब हम इससे वर्कआउट करते हैं तो हाथ भी काफ़ी ड्राई हो जाता है और अच्छे से ग्रिप नहीं बनती है, उस केस में भी हमें लगता है कि शायद हमारे पास अगर कुछ ऐसी चीज़ होती हैंडल्स टाइप की जिससे हम अपने वर्कआउट को कर सकते आसानी से, तो काफ़ी अच्छा हो जाता हमारे लिए। सो इस केस में आप इस हैंडल्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने एक्सेसरीज के साथ, राइट, अपने एक्सेसरीज के मेले में इसे शामिल कर सकते हो। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक अच्छी ग्रिप देना, एक अच्छी कंफर्टेबल ग्रिप देना, जिसके मदद से आप अपने वर्कआउट को आराम से परफॉर्म कर सको। तो इसका बस यही एक काम होता है। अगर आपके पास लाइट बैंड है तो डेफिनेटली उसमें आप कर सकते हो, बिना हैंडल्स के भी कर सकते हो। बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप 60 kg का या 45 kg के रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट कर रहे हो, उस केस में आपको हैंडल्स की कमी महसूस होने लगती है, तब आपको हैंडल्स लेना पड़ता है। सो हैंडल्स की इंपॉर्टेंस ही अब आपके ऊपर, आप लेना चाहते हो डेफिनेटली आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने हाथों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी दोनों में बन जाएगी। बॉडी बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि एक्सेसरीज आप परचेस करो ही करो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या देखना है। अगर आप स्नैप हुक खरीद रहे हो तो ट्राई करना ये जो हुक है ये 100 mm का लो, 80 mm भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नया खरीद रहे हो तो 100 mm इज़ गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि उसमें आराम से आप अपने बैंड्स को अंदर डाल सकते हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये छोटा होगा तो ये यहाँ पे कॉर्नर्स पे बैंड घिसते हैं, थोड़े लड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बैंड डैमेज हो सकता है। साथ में अगर बात करें हैंडल्स की, तो हैंडल्स में आपको देखना है कि थिकनेस किसकी अच्छी है। मैं कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं उनके नीचे एक्सेसरीज डाल दूंगा, आप उनको परचेज कर सकते हो। और आपको साथ में देखना है कि अंदर वाला जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो अगर मेटल का होता है तो बहुत अच्छा, अगर मेटल का नहीं होता है तो भी प्लास्टिक के भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, अच्छे वाले के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो ये चीज़ देखनी है आपको। और जो साथ में मिलता है मोस्टली ट्यूब के सेट के साथ, वो थोड़े से पतले होते हैं, बट ये इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी होती है, जिससे आपका वर्कआउट काफ़ी अच्छा लग जाता है। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ज़रूरत है या नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको परचेज करना है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।